मध्य प्रदेश में विधानसभा का आज चुनाव होना है और आज हम हैं समनापुर ब्लॉक के सरई गांव में और यहां मतदान प्रक्रिया चालू है। लोग बाग मतदान करके आ रहे हैं और ऐसे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो भी मतदान करके वापस आ चुके हैं और इनके मन में क्या चल रहा है, किसको किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग हुई है, इन बातों को लेकर हम जानना चाहेंगे कि यहाँ क्या माहौल है। बताइए क्या नाम है? मेरा अजय कुमार चंदेल। तो क्या चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल अभी इस समय कांग्रेस की ही चल रही है और वो ही सरकार बनेगा। अच्छा, तो इस बार किस मुद्दे पे आप लोग वोट दिए हैं, मतलब क्या मुद्दा रहा आप लोगों को वोट डाल देने का? वोट देने का यही मुद्दा रहा जो कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाले जा रहा है, जो स्कॉलरशिप बंद है, प्लस पुस्तकें बंद है और महंगाई बढ़ी हुई है, लड़काएं गरीबी स्थिति में पढ़ नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस के रहते ये सब चीजें उपलब्ध रहा। इसके कारण हमारा यही कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। तो शिवराज सिंह चौहान 1,000 रुपये दे रहा है हर महीने तो, का तो बच्चे का भी तो स्कॉलरशिप बंद करके आज महिलाओं को दे रहा। तो कोरोना में 3 साल वैसे बच्चों के वैसे इजी निकाल दे गए, बच्चे को भविष्य अंधकार में डाल दिया। जिस बच्चे से कुछ भी नहीं बन रहा है उसको भी पास कर दिया गया, अब वो बच्चे का भविष्य अंधकार में पड़ गए, बच्चे का कोई उनको याददाश्त आया ही नहीं। बताओ क्या बोल रहे हो आप? ये कहना चाहता हूँ मैं कि 4 महीने से बहना याद आ गए उनको। अच्छा, 2 साल तक कोरोना में कुछ दिखाई नहीं दिया जी, बस इतना। 5 किलो राशन तो मिल रहा था ना कोविड काल में? 5 किलो राशन में क्या होता है, जिसके यहाँ 6 परिवार है, मिट्टी तेल बंद हो गया तो 5 किलो राशन का करेगा? जो गरीब है वो तो तुरंत लाके तुरंत बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था हमको कोरोना। तो आपको बीजेपी का कौन सी योजना अच्छी लगती है? बीजेपी का कोई योजना अच्छी नहीं है हमारे हिसाब से। इस बार क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? बदलाव होने वाला है, मंत्री कमलनाथ बनेंगे। अच्छा जी, देखिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करेंगे। आप महंत जी हैं? नहीं, सेवक हूँ मैं आप सबके। और जो अभी के स्थिति में हम कांग्रेस ही सरकार बनाएंगे, हमारे बच्चों के या सभी योजनाओं को सरकार ले लिया, इसलिए हम कांग्रेस सरकार चाहते हैं। ये आपके मोदी जी वो पैसा देते हैं 2,000 रुपया सम्मान निधि का, फिर आपके मुख्यमंत्री जी आपके लाड़ तो सब बेकार हो गए, कोनो काम के नहीं रह गए, सब गली गली घूम रहे हैं। हाँ, कोई कोई योजना में नहीं, बस कहीं उधर काम में गए, उधर मजदूरी गए, कुछ पाते हैं कुछ ऐसे गमा देते हैं, इसलिए सरकार बदलना जरूरी। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अब काम तो करी, लेकिन इनका है जो बीच के लोग हैं वो काम कर दिए। हो गया, होगा इस बार? अब ये क्या हो गया, अब सरकार बदल जाएगा तो बन जाएगा पंजाब में। इसकी सरकार बना रहे हैं आप लोग? कांग्रेस। और भी लोग इनसे बात करेंगे हम। हाँ भैया, कुछ कहना चाहेंगे? अब हम कहा भाई, हम यह चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएंगे। इस बार जो है सरकार बदलना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि बच्चों के आज तक हमारा स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, न मिला है, पहली से लेके 11वीं तक पढ़ने लगे आज तक कोई एक रुपया नहीं मिला है ना, है पूरा पूरा बंद है ना। सरकार बदलाव होना चाहिए, हमारा यही रुझान। आप वोट दे के आ गए? अभी वोट नहीं दिए पर वोट देंगे। क्या माहौल चल रहा है गाँव में? गाँव का पूरा माहौल चल रहा है कांग्रेस में। कुछ नहीं किया। आप बताओ क्या बोल रहे हैं? गरीबी आप जो हटाया है तो बीजेपी ने हटाया है। 56-60 साल 65 साल जो कांग्रेस रहा कुछ नहीं किया, कनकी लेके खाते रहे लोग, वहां कनकी ले खाते रहे। जब से बीजेपी आया 15 साल हुआ है अभी ना, पूरे गरीबी दूर हो गया, पूरा पूरी गरीबी दूर हो गया ना। इतना ही कहना चाहते हैं हम। अच्छा, आपको कितना राशन मिल रहा है अभी? तो हमको 15 किलो मिल रहा है। 3 लोग हैं आप लोग एक परिवार में? नहीं, 4 पे 20 किलो मिल रहा है। 20 जुड़ गया, महीना भर पूछ जाता है। अब महीना भर पूछ जाता है ना, सब अपना पूछ जाता है। हमारे पूजे ना पूजे वो तो अपना समस्या ना। सरकार हाँ, जो गरीबी और भी हमारे साथ में, इसकी सरकार बनाना चाहोगे दादा? बीजेपी हो गया, वोटिंग हो गई? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं। क्या चल रहा है सरई में? हम केकरझर के, हमको बीजेपी सरकार बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए बीजेपी सरकार? सब गरीबी दूर कर दिया।
फ्री में राशन बहना योजना सब फ्री में पैसा सब देगा पैसा पैसा कर दिया। बोल रहे हैं कि बच्चों को स्कॉलर नहीं मिल रहा है, आप उनको कहने दो उनको। किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी के बनेंगे थर की। तो हम थे समनापुर ब्लॉक के सरई में और यहाँ आप लोगों को सुन रहे थे कि यहाँ क्या माहौल चल रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एक बहुत बड़ा तबका है वो बदलाव के मूड में है और यह कहा जा सकता है कि यहाँ जो है भाजपा कांग्रेस का मिला जुला माहौल है।